हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड 2020 एग्ज़ाम को स्थगित कर दिया गया है। 28 मार्च 2020 को एग्ज़ाम होने वाली थी। अब यह एग्ज़ाम कब तक ली जाएगी, यह सभी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, यह जो जानकारी बता रहा हूँ हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, 19 मार्च 2020, आज के डेट का, पटना संस्करण, पेज नंबर 6 का। डीएलएड से रिलेटेड जो न्यूज़ दिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ, चलिए अब डिटेल्स न्यूज़ देख लेते हैं। साथ ही दोस्तों, हम आप लोगों को डीएलएड का प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जो डीएलएड से रिलेटेड न्यूज है यहाँ पर देख सकते हैं, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्थगित। बिहार बोर्ड ने 28 मार्च को होने वाली डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसकी सूचना सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेज दी गई है। बोर्ड की माने तो डीएलएड प्रवेश परीक्षा की तिथि अब बाद में जारी की जाएगी। अब चलिए ऑफिशियल वेबसाइट भी देख लेते हैं। यह बिहार डीएलएड का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म फिलअप किए थे। बिहार डीएलएड का जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर एग्ज़ाम डेट बढ़ाने से रिलेटेड कोई भी नोटिस अभी नहीं दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है, तो उसका नोटिस आप सबसे पहले पेपर में देखिएगा और 1 से 2 दिनों के बाद वेबसाइट पर दिया जाता है। जैसे बात करें एडमिट कार्ड की, तो 28 मार्च को एग्ज़ाम है, डायरेक्ट यहाँ पर लिंक दिया गया और कोई भी नोटिस नहीं जारी किया गया था। आप सभी एग्ज़ाम में देखिएगा कि सबसे पहले एक नोटिस आता है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का और एग्ज़ाम इस डेट को लिया जाएगा, और यहाँ पर कोई भी नोटिस नहीं आया था एग्ज़ाम से रिलेटेड, डायरेक्ट एडमिट कार्ड दिया गया था लिंक यहाँ पर, और पेपर में पूरा डिटेल्स में न्यूज था कि 28 मार्च को एग्ज़ाम लिया जाएगा, 10 से 12:30 बजे के बीच 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारा जानकारी। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है, उसका ज़्यादा जानकारी आपको न्यूज़ पेपर में ही मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं देता है। तो एग्ज़ाम डेट बढ़ाने से रिलेटेड ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस आ भी सकता है 2 से 3 दिनों में, और नहीं भी दे सकता, क्योंकि सभी न्यूज़ पेपर में दे दिया है यह नोटिस, बिहार डीएलएड का एग्जाम स्थगित कर दिया गया है। अब दोस्तों, एग्जाम जो बढ़ाया गया है, तो अब यह एग्जाम कब तक ली जाएगी, तो यह एक एंट्रेंस एग्जाम है, इसके द्वारा कॉलेज में एडमिशन होना है। अगर इसे ज्यादा लेट किया जाएगा तो फिर सेशन लेट हो जाएगा, इस कारण से इसे ज्यादा लेट नहीं किया जाएगा। अप्रैल महीना में, अप्रैल लास्ट तक किसी भी डेट को ले लिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि रविवार को ही, सोम मंगल किसी भी दिन यह एग्जाम लिया जा सकता है। तो आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए, अप्रैल में अगर सब कुछ सही रहा तो अप्रैल में यह एग्ज़ाम ले लिया जाएगा।